आज क्या हुआ पता है? मतलब आज मैंने ना वीडियो इतना काम रहता है ना, वीडियो बनाना हो नहीं पाता है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं आप लोगों के साथ शेयर करना है, लेकिन हो नहीं पाता है, टाइम की इतनी कमी है। तो इसके लिए तो पूरा इंटरेस्ट चाहिए ना, वो नहीं होता। एक्चुअली क्या है, बाबा नहीं चाहता है। बाबा जब तक नहीं चाहेगा, मैं चाह कर भी वीडियो नहीं बना सकती। तो अचानक मुझे कुछ अच्छा फील हुआ, तो मैं जल्दी से ना हड़बड़ा के वीडियो बनाने चली आई। यही बात आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ कि क्या फीलिंग हुआ। अचानक सोए सोए मैं दीदी को मैसेज व्हाट्सएप पे बात कर रही थी, और मुझे ऐसा लग रहा कि हाँ अभी मैं ठीक हूँ। तो चलो वीडियो बनाना है, इसके ऊपर सबको बताना है। तो दो तीन दिन से ना मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे बहुत ठंड लग गई है, और मुझे तबीयत ठीक नहीं था। मतलब नाखून पूरी बंद थी और बदन भी पूरा पेन कर रहा था। लग ही रहा था कि अभी मेरे जैसे फीवर आएगा आएगा लग रहा था। और मुझे 2 दिन से ये सोच सोच सोचा मैंने कि दवाई लेनी है, लेकिन लिया नहीं। आज रात दोपहर को ही मैंने सोचा कि रात को मैं सिट्रिजन पैरासिटामोल लेके सो जाऊंगी, अभी दोपहर को लूंगी तो मतलब नींद आ जाएगी, और फिर काम काम था तो बाहर नहीं जा पाऊंगी। तो दोपहर को इसने नहीं लिया। तो जब मैं शाम को बाहर निकली ना, तब मैंने सोचा तबीयत बहुत खराब लग रहा है, मतलब उठने का दिल ही नहीं कर रहा था बिस्तर से, तो मैं साई का उदी ले लेती हूँ। तो मैंने जैसे विश्वास करके साई का उदी ले ली, और मैं भूल भी गई उस बात को। बाहर पूरा काम वाम करके चली आई, घर भी मतलब अभी तो रात के 10 साढ़े 10 बजे है, तो मैं भूल चुकी थी कि मैंने साई उदी ली है। मैंने दीदी के साथ बात कर रही थी व्हाट्सएप पे, तभी मुझे एहसास हुआ है मुझे तो रात को दवाई लेनी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे जैसे फीवर आने वाला है और तबीयत पूरी खराब थी। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, अभी मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, फुल एनर्जी है मुझ में। तो अचानक से क्या हो गया, तब मुझे याद आया, अरे मैंने तो शाम को साई के विभूति लिया था। मतलब आज गुरु पूर्णिमा है और मुझे इतना अच्छा फल मिला है, क्या बताऊँ आप लोगों को। मैं इतना दिल खुश हो गई। मैं दीदी से बोला कि मुझे ना आज बहुत अच्छा रिजल्ट एक मिला है, तो मैंने उसको व्हाट्सएप किया और जल्दी से मैंने वो चली आई कि मुझे वीडियो बनानी है, मुझे सबको बतानी है इसके बारे में, ताकि और लोग जान पाए साई का उदी का कमाल। हाँ, डॉक्टर दिखाना भी ज़रूरी है, मेडिसिन लेना भी ज़रूरी है, लेकिन मेरे लिए साई का उदी लेना उससे भी कहीं गुना बढ़कर है, और साई का चरणों में विश्वास भी, दोनों मेरे लिए सबसे आगे है। मतलब साई का उदी मेरे लिए महाओषध, इससे आगे कुछ नहीं कर सकती मैं। ओम साई राम। सब लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।